बिहार में सत्तू की कई सारी डिशेस फेमस हैं। मैंने आपके साथ कई सारी डिशेस शेयर भी किए हैं, उन्हें भी आप जरूर ट्राई कीजिए। लेकिन आज की रेसिपी में कुछ ऐसा किया है जिसे आप घर में आसानी से बना सकें, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए बिना स्किप किए। यहाँ मैंने एक परात में एक कटोरी भर के आटा ले लिया, नॉर्मल जो आटा होता है गेहूं का, उसमें डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मैंने कलौंजी सीड्स जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं, मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं, वो डाल दी, बहुत थोड़ा सा मैंने अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया, 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें घी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, ये च्वाइस आपकी है। अब हम इस पूरे आटे को मिक्स कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर डालिए, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना है तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए, ये च्वाइस आपकी है। अब इसे नॉर्मल पानी के साथ अच्छे से आप गूंथ लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, मतलब ऐसा होना चाहिए कचौड़ी जैसा बस। अब इसे अच्छे से मलमल के गूंथने के बाद इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए दे रहे हैं। यहाँ लिया है मैंने सत्तू का मिश्रण जो कि मैंने घर में ही बनाया है, आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं, आप जौ से भी बना सकते हैं, चने से भी बना सकते हो, मैंने तो यहाँ पर भुने चने को ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा जीरा डालकर। मैंने इस सत्तू में मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून कलौंजी के सीड्स जिसे मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिया है, 1 प्याज को बारीक कट करके डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा तीखा अच्छा लगता है ये, 1 इंच का टुकड़ा अदरक मैंने ग्रेट करके डाल दिया है, 4 से 6 कली लहसुन को मैंने बारीक कट करके डाल दिया है, बहुत बारीक कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अचार का तेल और अचार का मसाला, जो लिपटा हुआ अचार के साथ मसाला होता है ना, बस वही आप डाल दीजिए। अगर आपके पास पुराने साल का अचार का मसाला और तेल है वो भी डाल सकते हो, आम का अचार है तो उसे बारीक कट करके डाल दीजिए और आधा नींबू भी निचोड़ दीजिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें पाउडर, जो आपको मन करे वो आप डाल सकते हो, क्योंकि अचार पर डिपेंड करता है आपकी तीखी है या जैसी है उस हिसाब से आप मसाले इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो कुछ पानी के छींटे डाल सकते हो, वैसे मैंने जो मिश्रण बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर एक तरफ रख दीजिए, 10 से 11 ये छोटे छोटे बॉल्स बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जब तक इसको रेस्ट मिल जाए आटे को भी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे अक्सर हम चोखा जो बनाते हैं वो या तो आप अंगीठी पर, कोयले पर या कंडे पर आप उसे रोस्ट करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे घर पर नहीं होती हैं, तो हम क्या करें, इसको कैसे घर में बिगनर्स बना सकें। और आजकल के जो बिगनर्स हैं ना, उन्हें डर लगता है साबुत बैगन भूनने में, तो मेरे पास तो ये ताज़े बैगन है मीडियम साइज़ के, पर फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको डर भी ना लगे और आपका ये जो चोखा है बहुत ही परफेक्ट बन जाए। मैंने ताजे बैगन ले लिए हैं, इनको मैंने धो के पोछ लिया है, पोछ के मैंने कट लगा के इसे चेक किया है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बैगन जो है हमारा परफेक्ट है कि नहीं। जब ऐसे कट करके आप चेक कर लेते हो तो टेंशन खत्म हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बैगन ले लिए, 2 से 3 टमाटर ले लिए और मैंने 2 बॉयल आलू ले लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन ली है। अब जो लहसुन थी ना, मैंने इसके चीरे के अंदर जो चीर किया था ना बैगन का, उसके अंदर घुसाते जाइए। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ उससे स्वाद भी बड़ा अमेजिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने अंगीठी में बनाई है और आपको ना बिल्कुल मतलब अंगीठी और कंडे का झंझट ही नहीं होएगा। तो इस बैगन में आप इस तरीके से मिर्ची और लहसुन को भर दीजिए। अभी बैगन का मैंने डंठल नहीं हटाया है और क्या कीजिए, एक कुकर लीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और उसमें ये बैगन रख दीजिए, 3 से 4 टमाटर लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा कट करके आप वो भी रख दीजिए, 2 प्याज छिलके समेत ही रख दीजिए, 2 आलू उबले हुए रख दीजिए, कच्चे भी रख सकते हो, पर मेरे पास ऑलरेडी उबले हुए आलू थे तो मैंने वो ही रख दिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा अचार का तेल भी डाला है, इसको मैं हर तरफ से चला रही हूँ, ऐसा करने से क्या होगा, एक अच्छी सी रोस्टिंग होगी और सब तरफ तेल लग जाएगा, बहुत ही अमेजिंग सा स्वाद भी आएगा।
जब अच्छे से 4-5 मिनट इन सारी चीजों को आप सेक लो, आलू टमाटर प्याज और इसको, तो बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आएगा। फिर आपको क्या करना है, जब 4-5 मिनट अच्छे से सिक जाए तो 2 चम्मच पानी, सिर्फ 1 चम्मच इस तरफ से 1 चम्मच इस तरफ से, जैसे ही हमारी सब्जी जले नहीं, बस आप इसे कुकर में बंद कर दीजिए, 2 से 3 विसल लगा लीजिए। मेरे पास उबले आलू थे तो मैंने वही लिए, आप कच्चे भी ले सकते हो, क्योंकि ये सारी सब्जियां सॉफ्ट भी हो जाएंगी और ऐसी लगेंगी जैसे आपने इसे अंगीठी में पकाया है। जब तक ये प्रेशर कुकर में सब्जियां तैयार हो जाएं, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, एक रायता बना लेते हैं। तो रायते बनाने के लिए मैंने यह दही फेटा हुआ ले लिया है और मैंने ये करीब करीब एक बड़ा बोल ले लिया है, करीब 250 ग्राम ये दही है, इसे मैंने फेट लिया है। अब इसमें मैं भीगी हुई बूंदी डाल रही हूँ, भिगा के हम जो निचोड़ लेते हैं ना, वो मैंने बूंदी डाल दी है। अब इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ वो देख लीजिए। मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से भी कम काला नमक, नॉर्मल नमक जो है बहुत ही कम डाल रही हूँ। थोड़े से कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच से कम डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ पिसी चीनी। जी हाँ, हमारे घर में थोड़ा मीठा रायता बहुत पसंद करते हैं, तो आपके यहाँ नहीं पसंद करते तो चीनी को कम कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। अब इस तीखे के लिए हमें डालनी है 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम देंगे इसमें एक तड़का। तड़के के लिए मैंने शुद्ध घी ले लिया फ्राई पैन पे, आप ना चाहे तो तेल का भी तड़का दे सकते हो। मैंने इसमें डाल दिया जीरा बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, 2 पिंच डाल दी हींग, कुछ करी लीव्स डाल दी हैं, इन सबको सेक लीजिए। और रायते के ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च डालकर आप ये तड़के को डाल दीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगेगा, सिंपल सा रायता है, ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। आप अगर कहीं दूर देश में बैठे हैं और बड़ों की याद आ रही है या अपना ट्रेडिशनल खाने की याद आ रही है कि आप वो लिट्टी चोखा खाते थे, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो तरीका आज आपको बताया है बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो लीजिए, रायता हमारा तैयार हो गया है, मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब प्रेशर कुकर को खोल दिया है, इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं जला है, बल्कि थोड़ा सा पानी रिलीज किया है सब्जियों ने, वो पानी भी वेस्ट नहीं होगा, हमारे काम आने वाला है। और इस तरीके से बैगन बिना टेंशन के हमारे पक गए हैं, आलू भी देखिए कैसे लग रहे हैं, जैसे रोस्ट किए हुए होते हैं। अब हमें करना क्या है, चोखा बनाने के लिए ये जो पानी ऑयल के साथ निकला हुआ है ना, वो भी अलग रख दीजिए, हमें बाद में यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो टमाटर के छिलके हटाएंगे, ऊपर वाला पार्ट भी हटा देंगे और छिलके भी हटा देंगे। सारा चीज आप एक तरफ डालते जाइए किसी बोल में या फिर कुकर में, मैं तो सारी चीजें कुकर में ही डालती जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको चोखा बनाना है। धीरे धीरे बैगन के छिलके भी हटा दीजिए, आलू के छिलके भी हटा दीजिए, प्याज के छिलके भी हटा दीजिए। इससे आपको क्या हुआ कि उबले उबले का टेस्ट भी नहीं आया, अब आपने डायरेक्ट फ्लेम पे भी नहीं बनाया, क्योंकि कई जगह ना डायरेक्ट फ्लेम पे बनाना पसंद नहीं करते या गैस खराब हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया सब्जियां सिक गई हैं। अब मैं इस पोटैटो मैशर से लेकर सारी सब्जियों को ना इस तरीके से मैश कर दूंगी, चोखे में यही होता है, इन सारी चीजों को हमें मैश करना होता है। मिर्च भी लहसुन भी सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। मैंने अभी इसमें प्याज नहीं डाला है, बाकी सारी चीजें डाल दी हैं। प्याज को मुझे फाइन चॉप करना है इस तरीके से, इसे पीसेंगे तो इतना स्वाद अच्छा नहीं आएगा, जैसे बारीक होता है ना प्याज, बस इसी तरीके से आप प्याज को बारीक कर लीजिए। अब इस चोखे में आप डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज मैं और भी इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि कच्चा है, हरी मिर्च हरा धनिया और भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सब मिक्स कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इसमें मैं वही पानी डाल रही हूँ जो कुकर में जमा हो गया था, कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से देखिए, जैसी आपको चोखा चाहिए आप उस हिसाब से इसमें वो इस पानी डाल दीजिए। लास्ट में मैंने 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया। अब आप इस चोखे को एक सर्विंग डिश में सर्व कर लीजिए और लास्ट में अमेजिंग सा लगने वाला इसके ऊपर अचारी ऑयल डाल दीजिए। लीजिए, तैयार हो गया आपका बढ़िया गर्मा गर्म चोखा, गार्निश कर सकते हैं आप हरे धनिए की। अब हमारा रायता तैयार है, चोखा तैयार है, अब आप बना लीजिए लिट्टी के बदले, पराठे के बदले कुछ और, जो कि मैं अभी बनाने वाली हूँ। यहाँ आटे को अच्छे से रेस्ट मिल गई है, मैंने बॉल्स तो बना ही लिए थे जो फिलिंग थी, यहाँ मैंने लिया अप्पे मोल्ड को।
अप्पे मोल्ड को इसलिए लिया है कि बहुत बढ़िया इसके अप्पे बन जाएंगे, बिना टेंशन के बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ इस आटे के भी, और हम इस लोइयों के अंदर हम भरेंगे इस फिलिंग को। ये देखिए, मैंने कहा था ना इसको आप लूज रखिएगा, लूज रखोगे ना तो आराम से बिना बेलन के आपके ये अप्पे बन जाएंगे। इसमें फिलिंग रख दीजिए और चारों तरफ से उसे फोल्ड करके बंद कर दीजिए। ये देखिए, जितना आपको आटा ज़्यादा लग रहा है उसको निकाल दीजिए, मतलब आटे की परत बहुत पतली होनी चाहिए, अंदर फिलिंग ही फिलिंग दिखनी चाहिए। बस इस तरीके से सारे अप्पे बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इस आटे को फिर से फैला दिया और बीच में फिलिंग रख दी, इसे बंद कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा मैदा है, जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटे नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास अप्पे मोल्ड नहीं है तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए इसको, और नॉर्मल कढ़ाई में भी आप सेक सकते हो, नॉन स्टिक कढ़ाई में भी सेक सकते हो। नॉर्मल कढ़ाई में थोड़ा तेल लगेगा या घी लगेगा, जो नॉन स्टिक कढ़ाई है बिना तेल के बिना घी के आप स्लो गैस पर इसे ढक कर इसी तरीके से जिससे मैं अप्पे बना रही हूँ आप बना लीजिए। बस आपको फ़र्क ये करना होगा, अप्पे बना रही हूँ तो मैं गोल शेप दे रही हूँ, कढ़ाई में बनाओगे तो आप थोड़ा फ्लैट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो अप्पे मोल्ड है वो गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है, उसमें हम ये सारे रखते जाएंगे। एक ही टाइम में साथ साथ बन जाएंगे, बड़ा होता तो सारे एक साथ हो जाते। अब इसे हमें स्लो गैस पर ढक के रखना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तो पहले ढक के रखना है। तब तक हम जो बचे हुए हैं उन्हें भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट बाद जब आप पलटोगे तो बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब आप पलट पलट के इसे आप बनाइए, ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा घी की पॉलिश करते जाइए और इसे बनाते जाइए। जो बेकिंग पाउडर डाला था ना उसकी वजह से ऐसे अप्पे हो गए हैं बढ़िया, बिल्कुल फूले फूले मस्त मज़ेदार, कचौड़ियों से भी कहीं ज़्यादा अच्छे। चाहे तो आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को हटा सकते हो, उसके बदले आप 1 से 1.5 टेबल स्पून घी और ऐड कर दीजिए। पर मैंने सोचा कि ज़रा सा अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, और फिलिंग तो ढेर सारी डाली दी है तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप मेरा ये एक्सपीरियंस ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएंगे आपको। जब बहुत अच्छे से अप्पे बन जाएं तो घी में डिप करते हुए इन्हें सर्व कीजिए। देखिए, आप देख रहे हैं ना कितने अमेजिंग से लग रहे हैं। अब आप इन्हें कब बना रहे हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रायते के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे, चोखे के साथ भी बहुत खाना मजा आ जाएगा। बिहार की ट्रेडिशनल डिश को आप ये जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं है आप बिहारी हैं, हर जगह की अलग अलग ट्रेडिशनल रेसिपी को हम सभी को ट्राई जरूर करनी चाहिए। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है, आप खाएंगे तो आशिक हो जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर।